वाव कितना प्यारा ब्रिज बना हुआ है, इसको खच्चर है, इसको देख के डर लग रहा है। बच गए यार, का स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। आज मैं आई हूँ उनई और ये पड़ता है गुजरात में। और मैं घर से सुबह 6 बजे निकली और उमरगाम से ट्रेन पकड़ के बिलीमोरा आई, बिलीमोरा जंक्शन, और बिलीमोरा से नैरो गेज की ट्रेन पकड़ के उनई। नाम कैसे पड़ा इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। मुझे किसी ने कोई बता रहा था कि यहाँ पे जब भगवान राम जब 14 साल के लिए वनवास पे निकले थे तो माता सीता को नहाना था, तो भगवान राम ने ये तीर से मार के उन्होंने गर्म पानी का स्रोत निकाला था और उस जगह पर ये कुंड बना, तो वो कुंड से गर्म पानी निकला और माता नहाई। फिर आज तक वो कुंड है और आज भी वो गर्म पानी निकलते रहता है और उस पानी से अगर कोई नहा लेता है तो कोई भी चर्म रोग है तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, ऐसी मान्यता है। तो और इसका गुजराती में उनई नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि माँ यहाँ पर नहाई मतलब हूँ, नहाई मतलब उनई, ऐसा उनई पड़ गया। तो आज हम यहाँ पे ही आए हैं। और वैसे मैं आई थी जो नैरो गेज की ट्रेन होती उसका सफ़र करने के लिए, तो उसका भी सफ़र हो गया और एक नया ब्लॉग में ये शूट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इसके बारे में बता दूँ। तो अगर किसी को चर्म रोग है, जो मान्यता के अनुसार लोगों का ठीक हुआ है, हो रहा है, तो आप अगर आपको कोई चर्म रोग है तो आप उनई आ सकते हैं। यहाँ पर आप नहा के पानी से आपका ठीक भी हो सकता है। आज आपको पूरा दर्शन कराएंगे और मंदिर के बाहर आप देखेंगे तो इस तरह की सारी स्टॉलें लगी हैं। गेट से प्रवेश किया, एंट्री गेट, और बाहर उस साइड से एग्जिट गेट भी दिया हुआ है। यहाँ पे शायद धर्मशाला भी बना हुआ है, तो अगर कोई दूर से आ रहा है, रहना चाह रहा है, तो धर्मशाला की भी व्यवस्था है, तो हम रुक भी सकते हैं। ये उनई का काफ़ी बड़ा मार्केट है, आप देख सकते हैं। श्री उनई माता जी मंदिर के अंदर हम प्रवेश कर लिए, दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं। जब प्रवेश करेंगे तो इस तरह का आपको थोड़ा सा गार्डनिंग जैसा मिलेगा। बहुत बड़ा मंदिर है और इस मंदिर के चारों तरफ आपको धार्मिक स्थल ही मिलेंगे, घूमने जैसी जगह बहुत सारी है। आपको वो कुंड भी दिखाएंगे, गर्म पानी का जो झार है, झरा है, वो सब दिखाएंगे। आप अभी दूर दूर से थोड़ा देख लीजिए। देखो, हम यहाँ से हमने प्रवेश किया है और यहाँ से भी आप प्रवेश कर सकते हैं और यहाँ से भी आप एग्जिट कर सकते हैं। और यहाँ पे पार्किंग, शौचालय, हर चीज़ की व्यवस्था, धर्मशाला, हर चीज़ दिया हुआ है। तो अब हम चलते हैं मंदिर में। जाने से पहले आप लोग को हम यहाँ का जो कुंड बना हुआ है, ज़रा पानी का, गर्म पानी का जो स्रोत है, वो दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है गर्म पानी ना झरा, श्री उनई माता जी मंदिर, गर्म पानी ना झरा। तो वो हम दिखा देते हैं आपको। देखो, ये ही वो कुंड है जहाँ पे भगवान राम जी ने त्रिशूल मार के गर्म पानी का स्रोत निकाला था और आज भी देखेंगे तो इसमें से आप पानी के अंदर से भाप देख सकते हैं। चर्म रोग है वो भी ठीक हो जाएगा। सब कुछ इच्छाएँ होंगी तो उसको पूर्ति के लिए लोगों ने यहाँ पे पैसे डाले हुए हैं। इधर से गर्म पानी निकल रहा है, आप देख सकते हैं ध्यान से कैसे भाप निकल रहा है। हमको तो बहुत गर्म लग रहा है यहाँ पे आने। आपने जो ज़रा था, जो कुंड मैंने आप लोग को दिखाया, और यहाँ पे एक कुंड और बना हुआ है, ये निर्मित किया हुआ प्रतिमा है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। थोड़ा सा हम मंदिर का थोड़ा दर्शन कर लेते, पूरा भ्रमण कर लेते, साथ में आप लोग भी हमारे साथ भ्रमण कर लीजिए। ये जो देख रहे हैं गर्म पानी ना कुंड, ये जो मैं आप लोग को कुंड दिखाई अभी, वो यहाँ पे पहले बनाया हुआ था कि यहाँ पे अगर किसी को चर्म रोग है तो यहाँ पर वो आके नहाते थे। यहाँ पर देखो लिखा है, कुछ नियम है यहाँ पर, गुटका पान मावा खाई थुकवानी सख्त मनाई छे, अपना पूजा स्थान में स्वच्छता राखवी अपनी पोतानी फर्ज छे, बराबर। तो ये सब कुछ नियम लिखे हैं, मंदिर हमारा है तो सब ध्यान हमें ही रखना है।
ये एग्जिट गेट है, आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं। ये मंदिर परिसरमा शौचालय मंदिर परिसरमा न थी। देखिए इसमें ये भी दिया हुआ है कि मंदिर परिसर में शौचालय आपको नहीं मिलेगा। पूरे मंदिर में कहीं भी शौचालय नहीं है, मंदिर के बाहर शौचालय की व्यवस्था है। और यहाँ पे आप स्टोर देख सकते हैं हर चीज़ों का। श्री देव की उनाई माता जी मंदिर ये आप देख सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं। शौचालय मंदिर परिसर मानती आसगर पार्किंग एरिया माछिए का पान ये सब नियम लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। हाँ आप देख सकते हैं ये जो अगर कोई नहाना चाह रहा है इस गर्म ये पानी से, जिसको अगर अगर मान लीजिए किसी को चर्म रोग है, अगर वो नहाना चाह रहा है तो अब मैंने सुना था कि ये बंद हो गया है, लेकिन अच्छा है कि इसको वापस चालू कर दिया गया है। तो यहाँ पे पुरुष के लिए अलग है और महिला के लिए अलग है। तो मैं नहाऊंगी तो नहीं, लेकिन पानी को छूंगी जरूर, प्रणाम जरूर करूंगी और हाथ पे थोड़ा पानी से धोऊंगी जो शुभ रहता है। तो अगर आप मंदिर के दर्शन करना आते हैं तो ज़रूर आप एक बार इस पानी से स्पर्श चंद्र पानी थोड़ा सा लेके ठंडा पानी डाल के ही अपना हाथ सकते। गरम गरम पानी तो आप लोग को मैं अंदर का दृश्य नहीं दिखा पाई, क्योंकि जहाँ पे पानी का जो स्रोत है वो तो दिखा पाई, लेकिन जहाँ पे व्यवस्था है कि आप नहा सकते, क्योंकि वहाँ पे महिलाएं सब नहा रही थी, तो वहाँ पे मैं पानी से दिखा पाई आप लोगों को और हाथ पे मैं वहाँ पे धोली। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँगी तो मैं खुद कपड़े लेके आऊँगी ताकि मैं खुद यहाँ पे नहा सकूँ। और भाई भी हाथ पैर वहाँ पे जाके धो लिया और मैं भी हाथ पैर धो के नई माँ को प्रणाम की। अब चलते हैं हम लोग, हाथ पैर धोने के बाद अब चलते हैं अंदर माँ के मंदिर में। दर्शन मैंने आप लोग को अंदर के करा दिए हैं। वहाँ पे भगवान भोलेनाथ का भी शिवलिंग था और एक और माता जी का था, नाम नहीं पता, लेकिन मैंने अंदर का आपको दृश्य दिखाया है। तो अभी मंदिर के प्रांगण में ही हूँ, आप देखेंगे तो यहाँ से उस साइड से हमने एंट्री किया और यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हैं और एग्ज़िट भी है, और पीछे की साइड से भी एंट्री और एग्ज़िट है पीछे भी। तो यहाँ पे तीन रास्ता है और दुकान, यहाँ पे सिंह भी मिल रहा है। अब हमें भूख लगी है तो हम सिंह ले लेते हैं। ये सिंह कितने का? इसका 250 का, 50 का पाँच सौ, 50 रुपये का दे दो। भूख लगी है तो हम अब ये खा के रह। जब आप मंदिर में आते हैं तो यहाँ पे पार्किंग के लिए अंदर में नहीं बनाया हुआ है, मंदिर के अंदर पार्किंग हम नहीं कर सकते। पार्किंग के लिए थोड़ा सा आप बाहर आएंगे, आपको ऐसा पोस्टर लगा हुआ दिख जाएगा। तो पार्किंग का ये पूरा एरिया है, ये जो देख रहे हैं अंदर पूरा पार्किंग का है और बगल में शौचालय भी बना हुआ है। तो यहाँ पे बाहर की साइड में शौचालय और पार्किंग का एरिया है, बाकी ये मंदिर के बाहर का आप दृश्य देखेंगे तो पूरा मार्केट ही मार्केट आपको दिखेगा पूरा। संदीप आज हम लोगों को, हम लोगों को नहीं सिर्फ मुझे, तो हम लोग कोई नहीं गन्ने का जूस पिलाएगा, बहुत पैसा गिन रहा है। ओह बहुत पैसा है, धन्यवाद। जय गुरुदेव। हाँ नींबू ने मिर्चे लगा भी ना, केरला ना एक मंका ले रहे हैं, आइया खावाना चाहिए। हाँ आई होप आप लोगों ने वीडियो को काफ़ी इंजॉय किया है और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को कुछ जानकारी भी मिली है। वीडियो से जानकारी मिली होगी और पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मंदिर का पूरा परिसर आपको दिखाया, मंदिर के अंदर दर्शन कराया, अब हम जा रहे हैं।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। हर हर महादेव।